अच्छी बात कही मैंने। ओए लो चोरा ओ काई हो रील बना हो रील। नमस्कार गाइस, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, कैसे हो? नए ब्लॉग में आपका एक बार स्वागत है। आज हम दोस्तों पंचेरी आए हुए हैं अनिल के गाने शूट करने के लिए। तो आज हम शूटिंग करें, भाई का दूसरा एक नया लुक है, आप देख सकते हैं। मैं नहीं, हमारे रमेश भाई तैयार कर रहे हैं आज, मेकअप आर्टिस्ट हमारे रमेश भाई बन गए हैं। तो दोस्तों बने रहे हमारे ब्लॉग में हमारे साथ। ये हमारे है डायरेक्टर साहब भाई हितेश भाई, वीडियो शूट कर रहे हैं। और ये है राजस्थान के जालौर जिले में और सासौर की बॉर्डर पे पंचेरी गांव पड़ता है, तो वहाँ पे हमारे शूट के लिए दोस्तों भाई हो गया एकदम पूरा दिवासी वाला लुक में। जय मामा जीरी भाई, जय मामा जीरी। रमेश भाई वाह क्या बात है, फिर इसके शिंगार बाकी है तो बस के मजा आ गया हम जीता रहे आइस के। मैं आता बदल दिया था भाई। रमेश भाई ये किस देख रही है? रमेश भाई आप कुछ कहना चाहोगे क्या? रमेश भाई ने चड्डर में ले लिया। तो दोस्तों अभी शूटिंग चल रही है, मामा जी का गाना हो गया, गोगत जी का हो गया, अभी तीसरा गाना हम इस और डायरेक्टर हितेश भाई कुछ बोलेंगे। हितेश भाई आप दो शब्द बोलिए हमारे दर्शकों को। हम यहाँ पे देखो बहुत अच्छा लोकेशन है यहाँ पे, और अनिल जी का गाना शूट कर रहे हैं बहुत अच्छी। देखो इन्होंने रबरी समाज की वेशभूषा बहुत अच्छी इनको जच रही है। तो हमारे साथ म्यूजिक डायरेक्टर है रमेश भाई। रमेश भाई आप भी दो शब्द बोलिए हमारे दर्शकों को। हमारे यहाँ रानीवाड़ा की दद्दी की पंचेरी बहुत अच्छा लोकेशन है। हम लोकेशन के बारे में थोड़ी पूछ रहे हैं। अनिल भाई ने बहुत ही प्यारे देशी भजन की बार तैयार किए, गोगा जी के, मामा जी के, बहुत मेहनत करके इन्होंने गाए हैं। और इनको ये क्या कहते हैं अडीट और पुठिया बहुत ही अच्छा लग रहा है। और हाथ में देखो ये डांगड़ी रखी है, और इनके दूसरे हाथ में आईफोन है। और तो अच्छा जस रहा है, काफी देख लो अच्छा लुक है। एक बार सब दिखाओ, देखो इन्होंने ये पूरा एकदम ट्रेडिशनल, ये हमारे रमेश भाई ने मेरे को तैयार किया है। ये इस ड्रेस का डेलिकेट क्या बोलते वो सब इनको रमेश भाई को जाता है। हमारे विजय भाई ने सब अच्छी तरह से मैनेजमेंट किया है, सब कैसे क्या करना है। अच्छा लोड लिया तो हमारे साथ है अनिल भाई, इनसे पूछ रहे हैं आपके आपने कौन कौन से गाने गाए हैं यहाँ पे आके? मैंने काफी सारे गाने गाए। अच्छा, गोगा जी महाराज का गा दिया, मोमो जी महाराज का गा दिया, राम सा पीर के गा दिए, बहुत सारे गाने गा दिए। आपको जालौर जिले के सासौर की ये पंचेरी गांव में कैसा महसूस हो रहा है? वो यहाँ पे मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं एक बहुत ही सुहाने और बहुत ही शानदार एकदम शांत एरिया में आ चुका हूँ, जहाँ पर कोई शोर शराबा नहीं है, जहाँ पे कोई बड़ी अच्छी और ऊंची ये पास में पहाड़ियाँ हैं, धोरे हैं, दोनों देखिए इधर पहाड़ है इधर धोरे हैं, दोनों एक साथ हैं, पत्थर हैं बहुत बड़े बड़े, रोड भी है। आपके इंस्टाग्राम पे लाखों फॉलोअर्स हैं, आप उन दर्शकों को क्या बोलना चाहोगे? मैं उन दर्शकों को बोलना चाहूँगा बहुत बहुत आभार, ऐसे ही मुझे प्यार करते रहें, सपोर्ट करते रहें, आशीर्वाद देते रहें। आपका छोटा भाई ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा आपकी दुआ से। धन्यवाद, थैंक यू, जय श्री राम। हितेश भाई आप बोलिए सासौर के पंचेरी गांव की। देखो मैं यही बताना चाहता हूँ, ये यहाँ पे बहुत अच्छा लोकेशन है। अभी तो क्या है, भाटे भाटे पड़े हैं। अभी तो क्या है, गर्मी का मौसम है, जब भी बारिश का मौसम आता है तब यहाँ पे बहुत अच्छा लोकेशन, हरियाली भी रहती है। और हमारे अनिल जी नागौरी के बहुत सारे गाने हम शूट कर रहे हैं यहाँ पे देसी एकदम, तो आप सभी इस गाने को। तो मैं पूछना चाहूंगा मैं इस ड्रेस में कैसा लग रहा हूँ? फर्स्ट टाइम मैंने ये पहना है, आई थिंक मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ, फिर भी आपकी राय कमेंट। तो दोस्तों हम हमारी पूरी टीम के साथ अभी पंचेरी गांव में मौजूद हैं। आप क्या कहना चाहते हैं इस वीडियो को, ब्लॉग को देख के कमेंट में जरूर प्रतिक्रिया दीजिए। क्या अनिल जी आप बहुत
खूबसूरत लग रहे हैं, एक दूल्हे से कम नहीं है इस ड्रेस में। दोस्तों मुझे जुड़ने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, यूट्यूब सब्सक्राइब करें और फेसबुक पे फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, शूटिंग चल रही है, आप जुड़ रही है हमारे साथ। हमारे हितेश भाई शूटिंग कर रहे हैं और हमारे एक्टर अनिल भाई ये एक्टिंग कर रहे हैं लकड़ियाँ लेके देवासी समाज की वेस्ट। तो हितेश भाई बोल रहे हैं आज का शूटिंग खत्म हो गया, तो हम चलते हैं ब्लॉग में। जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हितेश भाई के चैनल को डिलीट कीजिए और ये डुप्लीकेट कैमरा इनके पास में। हितेश भाई आपके पास कैमरा कौन सा बताएंगे? देखो ये सोनी का है, मार्क फोर सोनी का, ऊपर लेंस लगा हुआ है 24-105। अच्छा ऐसी बात है क्या? ये बड़ी झूठ बात है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये वो मेले में जो मिलता है उसका ये आगे का लगाया है, और ये मैं इसका कह सकता हूँ, हाँ ये थोड़ा बहुत ओरिजिनल है। ऐसे ये बात अच्छी बात करी आपने, ये बड़ी अच्छी बात कही है मैंने। ओले चोराओ का ही हो रील बना हो रील।